सो है यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो हमने पहली वीडियो में एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका एपिसोड नंबर 2 है ये। तो हमने, आपको याद होगा तो पहले वाले एपिसोड में आपको पता होगा कि हमने थोड़ी बहुत माइनिंग की थी और हमें एक विलेज में भी आए थे, तो हमको जल्दी से एक विलेज भी मिल गया था इस वर्ल्ड में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो हम आज करेंगे जल्दी से एक फार्म बनाएंगे और हम जाएंगे एक माइनिंग ट्रिप पर। तो हम माइनिंग करेंगे थोड़ी सी, जिसमें हम डायमंड लेके आने हमको कुछ, और हमको लाना है आयरन भी लेके आना है। तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो गाइस, तो मैंने ऑफलाइन में मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग की थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिला था और डायमंड भी मिले थे मुझे, और आयरन भी मिला था, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा गोल्ड ये 8 निंगेट गोल्ड के मुझे यहाँ पर मिले थे, और आयरन भी मिला था 47, और मुझे डायमंड मिले थे। मैं आपको डायमंड दिखा देता हूँ, ये रहे मेरे डायमंड, और लैपिस भी मिली थी और रेड स्टोन भी मिला था, तो आप डायमंड देख सकते हो। तो आज हम पहले या एक फार्म बनाएंगे जिसमें हम अपने लिए खाना उगाएंगे और जिससे हमारे लिए खाने की पूर्ति होगी, कब तक हम इन नल्ले ब्लीडरों का खाना चुराएंगे। तो चलते हैं गाइस, पहले हम एक फार्म बनाएंगे और फिर जाएंगे हम माइनिंग के लिए। तो पहले फार्म के लिए हमको थोड़ी सी पहले एक बकेट चाहिए। बकेट शायद मेरे पास, मैंने बनाई थी पहले, ये है मेरे पास बकेट तो है। और मुझे चाहिए थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, बोर्ड से मुझे वो बनाना है फेंस गेट और फेंस बनाने, तो मैंने यहाँ से बोर्ड ले लिया। तो क्राफ्टिंग टेबल से मैं जल्दी से पहले फेंस बना लेता हूँ। जल्दी से फेंस बनाने के लिए मैं रेसिपी देख लेता हूँ, मुझे रेसिपी नहीं पता है फेंस गेट बनाने के लिए। तो कुछ स्टिक भी चाहिए हमें, पहले स्टिक और बना लेते हैं। स्टिक बना लेता हूँ जल्दी से। तो थोड़ी बहुत मैंने स्टिक भी बना ली है, और थोड़े से मैं प्लैंक भी बना लेता हूँ यहाँ पे रख के। तो मैंने अभी प्लैंक भी बना लिए हैं थोड़े से, तो यहाँ पे मैं प्लैंक बना के जल्दी से वहाँ पे चलता हूँ। मैं फेंस गेट भी बना लेता हूँ फिर जल्दी से यहाँ पे। इतने बहुत रहेंगे गाइस, और एक फेंस गेट भी देख लेते हैं फेंस गेट कैसे बनेगा। तो पहले हमको बनाने पड़ेंगे प्लैंक बनाने पड़ेंगे, फिर हमको स्टिक बनानी पड़ेगी। स्टिक कहाँ पे भाई, स्टिक भी बना ली हमने थोड़ी सी, और अब एक बनाना पड़ेगा हमको फेंस गेट। एक फेंस गेट भी बना लिया, और हमको एक चाहिए हो जिससे हम वो कर सकें। और यहाँ से मैं अपना गोल्ड भी उठा लेता हूँ, और हो बनाने के लिए हो देखते हैं कैसे बनती है हो जल्दी से। पहले हमें, और हमें थोड़ी सी लकड़ी भी चाहिए, और देखते हैं वो कहाँ पे हो। एक आयरन की हो भी बना ली हमने, तो अभी चलते हैं। अभी तो रात हो रही है, तो पहले गेट बंद करते हैं, गेट बंद करके पहले मैं सोता हूँ। सुबह हो चुकी है गाइस, तो अभी मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे बनाऊँगा अपना फार्म। तो मैं नीचे चलता हूँ फार्म बनाने के लिए, मैं बनाऊँगा अपने लिए नीचे फार्म बनाऊँगा। यहाँ पे तो नहीं है, ये क्रीपर भाई साहब आ रहे हैं, पहले मैं इसको मारता हूँ फिर देखते हैं क्या करते हैं भाई साहब। अभी मेरे पास आयरन भी नहीं है, पहले मैं नीचे चलता हूँ यहाँ से। अरे क्या हो, बच गया मैं, पानी में गिरा। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा गाइस, राइड करके रखी है पहले से। यहाँ पे बीच पे बनाऊंगा मैं गाइस। तो पहले यहाँ से फेंस लगा लेता हूँ जल्दी से, 2-3। मैंने यहाँ पे फेंस लगा ली है थोड़ी सी। तो गाइस फैंस तो अभी कम पड़ चुके हैं, तो फैंस मैं लेके और बना के लाता हूँ।
मेरा घर किधर की तरफ है, मैं गैस घर भूल चुका हूँ कहाँ पर मेरा घर। हाँ तो उधर है मेरा घर, तो मैं चलता हूँ अभी जल्दी से और बना के लेके आता हूँ। अभी मैं अभी फेंस बना के और फेंस लगा के अभी मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद जाए। तो गैस मैंने बाहर तो मैंने ये फेंस लगा दी है, तो अभी मुझे इसके अंदर अभी हार्वेस्ट करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे पानी डालना होगा और हौसे वहाँ पे मुझे वो करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इस काम को कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अभी एक मिनट में मिलेंगे गैस अभी हम। तो पहले मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ये देखो गैस यहाँ पे ये बीच है, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत सीलन तो आती है। तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा यहाँ पे ये आ चुका है, तो पहले मुझे यहाँ पे पहले खुदाई करनी पड़ेगी थोड़ी। तो मैंने यहाँ से तो थोड़ी तो खुदाई कर ली है, तो मुझे यहाँ पे पानी डालना होगा तब ये यहाँ से सीलन नहीं उठेगी। तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये कैसे ये आ चुका है, अब नहीं आएगा गैस। अब तो यहाँ से आप देख सकते हो इधर 3 ब्लॉक इधर हैं और 3 ब्लॉक इधर हैं और 3 इधर हैं, इधर 2 हैं। तो यहाँ से ये सब में ये कर देगा यहाँ से, अभी किस पे किसी पर भी ये डर्ट नहीं आएगी। तो अभी मुझे इसमें पहले सीड्स लगानी होंगी, सीड्स मैं लेके आ गया था अभी घर से, तो इनको जल्दी से लगा लेते हैं। तो गाइस सीड्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं अभी मिलता हूँ आपसे सीड्स लेने के बाद और इसमें लगाने के बाद। अभी 2 मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे, सीड लेके आता हूँ। तो गाइस हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है, तो मैंने इसमें सीड्स भी लगा दी हैं। मैंने इधर सीड्स लगाई हैं, कैरेट की लगाई हैं, पोटैटो की लगाई हैं और इसे ये ब्रेड बनता है इसे क्या कहते हैं, ये सीड भी लगाई हैं मैंने और पोटैटो भी लगाए हैं, कैरेट भी लगाई हैं। तो मैंने ये फार्म तो कर दिया रेडी, तो अभी हम पे खाने की तो कुछ कमी नहीं होने वाली है। तो अभी चलते हैं हम अपने घर पर, इन सीड्स को रख के आते हैं। और अभी सीड्स को रखने के बाद हम आपको माइनिंग एरिया दिखाऊंगा मैंने जहाँ पे माइनिंग की थी, और फिर चलेंगे माइनिंग करने के लिए। आज हमारा टास्क है, आज हमको डायमंड फाइंड करने हैं। डायमंड मुझे कैसे भी कुछ भी करके ढूंढना है, और आज मुझे फुल आर्मर बनाना है डायमंड का। देखते हैं बन सकता है या नहीं बन सकता, और मैं टूल्स तो बना ही लूँगा, मुझ पर 14 डायमंड्स तो हैं गाइस। तो चलते हैं, अभी मैं इन सामान को रखता हूँ, फिर आपको मैंने माइनिंग एरिया दिखाता हूँ, मैंने माइनिंग एरिया कैसा बनाया है, मैंने वहाँ पे माइनिंग की थी कितनी की थी। तो अभी मैं इस सामान को इस चेस्ट में रख देता हूँ, फिर आपको माइनिंग एरिया दिखाता हूँ। तो गाइस सामान मैंने पूरा का पूरा रख दिया है, अभी मैं जल्दी से डायमंड और यहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से प्लैंक भी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से डायमंड ले लेता हूँ, फिर इससे मैं अपने टूल बना लेता हूँ कुछ डायमंड के, एक पिकैक्स बना लेता हूँ, एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। तो बना जल्दी से बना के फिर मैं चलता हूँ, यहाँ से एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ और एक बना लेता हूँ, पिकैक्स नहीं बन रही मुझ पर कुछ गाइस, लकड़ियाँ कम है, तो लकड़ियाँ भी पहले जल्दी से बना लूँ मैं, यहाँ से लकड़ियाँ भी बना ली। तो यहाँ से अभी मेरी एक पिकैक्स भी बन जाएगी, तो अभी मैं बस इतना ही बनाऊँगा और कुछ आयरन का नहीं, आयरन का मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं अपने डायमंड यहीं पर रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर मैं जल्दी से मैंने माइनिंग कहाँ पे की थी और कितना बड़ा एरिया है वो। तो चलते हैं फिर हम वहाँ पे, तो माइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले से माइनिंग बहुत कर ली है, तो वहाँ पे अभी मुझे डायमंड नहीं मिल रहे हैं। तो पहले से मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ मेरा खुफिया रास्ता कहाँ से है, तो आप देख के अचंभित हो जाओगे, मेरा खुफिया रास्ता यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ पे जाऊँगा माइनिंग करने के लिए। तो अभी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि देखिए मेरा माइनिंग एरिया है यहाँ पे। अच्छा हमको सिखा रही, तो यहाँ से देखो कि कितना गहरा मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, तब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा डायमंड की माइनिंग करने के लिए। तो मैं पहले गया था तो मुझे 40 डायमंड मिले थे, तो यहाँ से भी अभी नीचे जाना पड़ेगा मुझे। तो चलते हैं अभी नीचे, मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। तो गाइस देखो मैं नीचे आ चुका हूँ फाइनली, तो यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ मैंने कितना माइन किया है यहाँ पे और मुझे कितने डायमंड कहाँ कहाँ से मिले थे। तो देखते चलो बस गाइस, मैं -58 पे आया था, तो मुझे यहीं पे डायमंड मिले थे थोड़े से, और मैंने बहुत सारी जगह देखी वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला डायमंड। तो अभी मैं कुछ दूसरी जगह जाऊँगा, तो देख सकते हो आप मैंने कितना यहाँ पे माइनिंग किया था। तो यहाँ से देखते चलते जाओ आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं कहाँ पे मैंने माइनिंग की थी।
तो आप देख सकते हो मैंने कहाँ से कितना माइन किया है। तो आपको इसको अभी दिखाता हूँ, मैं इसके एंड के वहाँ पे जाता हूँ और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट को देखते जाइए, अभी कहाँ पे कोऑर्डिनेट है और एंड कहाँ पे कोऑर्डिनेट का होता है। अभी मिलता हूँ मैं दूसरे छोर पे इसके। सकते हो मैं इसके एंड में आ चुका हूँ। मैंने लगभग यहाँ पे 300 ब्लॉक की दूरी वहाँ से यहाँ तक मैंने खुदाई की थी, तब मुझे इतने डायमंड मिले थे। फिर मैंने यहाँ पे इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको लावा आ रहा है यहाँ से, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बंद कर दिया था। तो इसको मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया इसलिए मैंने यहाँ पे आगे तक की खुदाई नहीं की थी। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ से आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया। फिर मैं इधर भी गया तो इधर भी मुझे लावा मिला है, इसलिए मैंने इधर भी बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ से वापस जाना ही निश्चय किया। तो अभी मैं अभी डायमंड की माइनिंग करने और जाऊँगा जिससे मेरा आर्मर फुली डायमंड का हो जाए। तो अभी मैं इस माइन से बाहर निकलता हूँ। इसको मैं माइन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये कोई माइन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर माइनिंग की थी एक तरीके से, यहाँ पर माइनिंग भी कह सकते हैं इसे। और गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ वॉइस में गलत दिख रही हो या मुझे वॉइस बोलने में अच्छा नहीं लग रहा हो आपको, तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको एंटरटेनमेंट करा सकूँ। और आपको कुछ गलत लगता है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। तो अभी चलते हैं, मैं अभी बाहर चलता हूँ इस माइन से, फिर मिलता हूँ आपसे बाहर निकलने के बाद। तो गाइस मैं अभी इस खुफिया रास्ते से तो बाहर आ चुका हूँ, देख सकते हो आप। अरे मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ, मैं नीचे चला गया था गाइस, सॉरी इसके लिए। तो अभी मैं चलता हूँ, अब माइनिंग करेंगे अभी कहीं पे जिससे हमें डायमंड मिले जल्दी से। तो चलते हैं अभी यहाँ से, मैं चल लूँगा इधर। इधर तो मैंने यहाँ पर माइनिंग किया है तो इधर के एरिए में तो नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर डायमंड मिलना मुश्किल है। अगर गाइस आपको भी यहाँ पर माइनिंग करनी है तो आप -58 पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे माइनिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ माइनिंग करना। तो गाइस यहाँ पे जल्दी से मैं अभी माइन करता हूँ, फिर देखते हैं हमको कितना डायमंड मिलता है। अगर गाइस आप भी माइनिंग करना चाहते हो तो -58 पे ही जाना क्योंकि वहीं पर आपको डायमंड मिल सकते हैं और वहीं पर ही मिलेंगे आपको। तो इससे तो अभी हमारा काम स्लो हो रहा है। तो मैं अपनी डायमंड पिकैक्स निकाल लेता हूँ, डायमंड पिकैक्स के करते हैं क्योंकि इससे स्पीड जल्दी हो जाती है। तो चलते हैं गाइस अभी माइनिंग में करूँगा और जिससे मेरा आर्मर भी जल्दी से हो जाए। और गाइस अभी देखते हैं हमको कितना डायमंड मिलता है और कितना क्या मिलता है। तो अभी मुझे कुछ डायमंड मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। तो अभी आपसे मिलता हूँ डायमंड के पास। तो गाइस माइनस में आके तो पिकैक्स की भी हालत थोड़ी ढीली हो चुकी है क्योंकि इसमें पिकैक्स भी बहुत स्लो चल रही है डायमंड की। आप देख सकते हो कितना स्लो ये काम कर रही है। क्या गाइस ये क्या है, डायमंड है गाइस? देखो ये डायमंड हमको मिल चुका है, तो यहीं पे मिल चुकी है हमें डायमंड। तो पहले मैं इधर उधर खुदाई कर लेता हूँ। -11 पे ही मिल चुके हैं हमको गाइस, आप देख सकते हो हमें डायमंड यहीं पे मिल चुके हैं। तो पहले मैं इधर गाइस दूसरा डायमंड, अगर यहाँ पे अभी और भी मिल गए तो मैं रो पड़ूंगा गाइस क्योंकि मुझे इतनी जल्दी डायमंड मिल चुके हैं। देखो गाइस देखो, तीसरा डायमंड भी मिल चुका है, ये क्या चौथा डायमंड भी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केव है गाइस। तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ डायमंड लेके। ये क्या हो रहा है गाइस मेरे साथ, देख सकते हो मुझे कितने डायमंड मिल चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं इसको मान सकता हूँ कि मेरा लक ही अच्छा है इसलिए मुझे इतने सारे डायमंड मिल चुके हैं, वरना इतनी जल्दी कैसे मिल सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि Y11 पे पहले मिलते थे, अभी तो Y58 पे मिलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बहुत नीचे, Y15 पे आ चुका हूँ और मैं नीचे चलता हूँ और ढूँढता हूँ अभी डायमंड। तो अभी मैं लगभग देखता हूँ अभी 9 डायमंड मुझे यहाँ से मिल चुके हैं गाइस। अगर मुझ पे यहाँ पे और भी मिल जाती तो और मज़े ही आ जाते गाइस क्योंकि मेरा डायमंड का आर्मर यहीं से पूरा हो सकता था।
तो अभी चलते हैं और माइनिंग करते हैं, क्योंकि मिले तो मिल जाएं, कहीं पे मिल जाएं तो मज़े ही आ जाएं गाइस। तो अभी कहीं पे डायमंड मिलेंगे तो वहीं पे आपको अपडेट करता हूँ। जब तक ये देखिए गाइस क्या हो रहा है ये मेरे साथ, इतनी जल्दी जल्दी डायमंड कैसे मिल रहे हैं, और वो भी देखो गाइस कितने कितने, चार मिले, ज़्यादा आएगा इस चार से तो यहाँ पे। ओ या मैं रो पड़ूंगा गाइस यहाँ पे, सच्ची में देखो इतनी जल्दी डायमंड कैसे मिल सकते हैं, कितने मिले, 15 हो चुके हैं मुझे, यहाँ पे 6 डायमंड मिल चुके हैं। तो गाइस मेरा नसीब ही मेरा लकी अच्छा है, इसलिए मुझे डायमंड यहाँ पे मिले हैं। मैं अभी नीचे और चलता हूँ माइनिंग करते करते, फिर मिलता हूँ आपसे, डायमंड के पास ही मिलूँगा ऑफिशियली। मैं डायमंड की माइनिंग कर रहा हूँ तो आप डायमंड के पास ही मिलूँगा भाई, 15 पे पहुँच चुका हूँ वैसे तो गाइस। तो यहाँ से मैं अपनी माइनिंग को स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ से मुझे करना है स्ट्रेट करना है गाइस, मुझे यहाँ से सीधा सीधा यहाँ से सीधा सीधा जाना है गाइस। तो अभी मैं यहाँ से सीधा सीधा चलता हूँ, फिर देखते हैं हमको डायमंड मिलती है या फिर नहीं। क्या गाइस ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं पहले की तरह ही यहाँ पे जुड़ चुका हूँ, पहली वाली माइन से जुड़ चुका हूँ, देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे माइनिंग किया हुआ है यहाँ पे पहले, देख सकते हो गाइस यहाँ पे हम पहले मैंने माइनिंग कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ। तो इधर तो मैं गाइस नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि इधर माइनिंग करके आया हूँ, पहले मैंने माइनिंग कर ली है यहाँ पे, इसलिए टॉर्च लगी है। तो अभी मैं यहाँ से इस रास्ते को बंद कर देता हूँ कोबल स्टोन से, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे माइनिंग कर लिया। तो यहाँ पे अभी मैं जाने वाला हूँ स्ट्रेट, सीधा जाऊँगा यहाँ पे। तो अभी मुझे डायमंड मिलेंगे गाइस, तो वहीं पे आपको अपडेट करूँगा और वहीं पे मैं आपको मिलूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं करता हूँ अपनी माइनिंग को स्टार्ट यहाँ से, और देखता हूँ मेरे पास टॉर्च तो है मेरे पास गाइस, यहाँ पे एक टॉर्च लगाता हूँ, फिर करते हैं माइनिंग को स्टार्ट। अभी डायमंड मिलेंगे वहीं पे आपको मिलूँगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे डायमंड भी मिल चुके हैं, मैं पहले इधर उधर का एरिया साफ करता हूँ, फिर देखते हैं मुझे यहाँ पे कितने डायमंड मिले हैं। मुझे लगता है इस बार तो एक ही डायमंड मिल जाए गाइस, देखते हैं। नहीं यहाँ पे दो तो हैं, तो पहले मैं इनको माइन करता हूँ जल्दी से, और भी हैं गाइस। तो हमारा लक तो साथ दे रहा है थोड़ा बहुत, 4 डायमंड मिले हैं गाइस हमको, और माइनिंग करते हैं, क्योंकि आज हमें कम से कम डायमंड हमको 30 डायमंड चाहिए, तभी हमारा आर्मर होगा डायमंड का फुली। तो अभी मिलता हूँ मैं आपसे और डायमंड मिलने के। गाइस तो देख सकते हो आप हमें डायमंड मिल चुके हैं मुझे, तो देख सकते हो आप इतने 3 डायमंड मुझे दिख रहे हैं, मैं अभी इसको और देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे और डायमंड हैं, देखते हैं इधर भी, मैं पहले जगह बना लेता हूँ डायमंड को इकट्ठा करने के लिए, कितने ही हमको डायमंड मिल चुके हैं। तो गाइस आज हमारा टास्क मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं जल्दी से इनको पहले तो हैं गाइस यहाँ पे मुझे 5 डायमंड तो दिख चुके हैं कि हैं, तो इनको मैं जल्दी से यहाँ से कलेक्ट करता हूँ, और आगे भी अभी मैं और आगे मुझे मिले तो उनको भी मैं कलेक्ट करके और जल्दी से मैं ऊपर जाके अपना आर्मर बनाऊँ। मुझे आज लगभग इसको भी पहले मैं ले लूँ, आज कम से कम मुझे 30 डायमंड तो करने हैं, तो 29 तो हो चुके हैं गाइस। तो वैसे 30 से तो मुझे ज़्यादा की उम्मीद लग रही है कि आज मुझे 30 से ज़्यादा तो मिल सकते हैं, और मुझ पे 9 अभी घर पे भी रखे हैं मेरे पे,
तो इन सभी डायमंड से मैं आज अपना आर्मर तो सक्सेसफुली बना सकता हूँ। तो और हम माइनिंग करते हैं, फिर मैं अपना डायमंड बनाऊँ, मैं डायमंड का आर्मर अपना कंप्लीट आज कर लूँगा, मुझे लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे रेड स्टोन भी मिल चुका है, इसको भी मैं कलेक्ट साथ ही साथ कर लेता हूँ, हमें इसकी रेड स्टोन की भी ज़रूरत पड़ती रहती है गाइस। तो यहाँ पे पहले मैं एक टॉर्च लगा लेता हूँ और करते हैं हम आगे की तरफ माइनिंग। जब तक आप इस सॉन्ग का मजे लीजिए। तो गाइस यहाँ पे भी डायमंड मिल चुके हैं, तो मैं इनको भी जल्दी से यहाँ से माइन करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कितने डायमंड मिले हैं। तो आज का गाइस हमारा टास्क तो कंप्लीट हो गया है 30 डायमंड का, और मैं अभी 2-3 मिनट की और वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर तो मुझे इतने ही बस डायमंड मिले हैं, क्या देखता हूँ और यहाँ पर मिलते हैं तो गाइस नहीं, यहाँ पे तो मुझे इतने डायमंड मिले हैं, तो देखता हूँ अभी मुझ पर कितने डायमंड हो गए हैं। 36 डायमंड हो चुके हैं गाइस मुझ पर। तो अभी मैं इन 36 डायमंड को लेके अभी इस माइन से बाहर निकलता हूँ, फिर मिलेंगे आपको ऊपर की तरफ, ऊपर मिलेंगे। पहले मुझे भूख भी लग रही है, मैं पहले ब्रेड खा लेता हूँ, फिर अपने पेट को फुल पहले भर लेता हूँ, तब चलेंगे ऊपर की तरफ। और गाइस मैंने खाना खा लिया है, तो अभी चलते हैं घर और फिर वहाँ पे बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल से अपना आर्मर, फुली आर्मर, देखते हैं कितने डायमंड लगते हैं आर्मर में। तो अभी मैं मिलता हूँ गाइस 2 मिनट के बाद आपको। तो गाइस मैं अभी माइन से तो बाहर आ चुका हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। और हमारा यहाँ पे स्केलेटन महाराज, ये साली हड्डी यहाँ पे हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। पहले मैं इसको निपटाता हूँ, ये मैंने मार दी। और यहाँ पे एक स्पाइडर भी है, पर ये हमसे कुछ कह नहीं रही है। तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ अपने घर पर, और फिर अभी बनाऊंगा मैं अपने लिए फुली एक डायमंड का आर्मर। आज तो हम माइनक्राफ्ट में दूसरे सीरीज में ही गाइस हम पैसे वाले बन चुके हैं, ऐसा तो किसी का भी लक नहीं होगा कि इसको किसी को इतने डायमंड मिल जाए। पर देखो हमारा लक देखो, तो गाइस हमारा डायमंड तो बन जाएगा मुझे लग रहा है। तो मैंने एक हेलमेट बना लिया है, एक चेस्ट प्लेट भी बना ली, और एक पेंट भी बना लेता हूँ, और एक बूट भी बना लेता हूँ। तो गाइस हमने अपना डायमंड का आर्मर तो फुल आर्मर बना लिया है, फिर भी हम पे 12 डायमंड बने हैं। तो मैं इसको जल्दी से पहन लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने अपना डायमंड का आर्मर तो पहन लिया है, तो अभी देखते हैं इसकी पावर कितनी है। किसी से लड़ के देखते हैं, क्रीपर हो या स्केलेटन से लड़के देखते हैं इसकी पावर, देखते हैं कितने ले मार ले। तू मुझे मार ले, मैं तो उसे कुछ नहीं कहूँगा, मार ले। इसने 2 तीर तो मार लिए, चल तू भाग यहाँ से, चल भाग भाग साले भाग भाग, तू मार तू मार, तू मेरा स्वागत कर। देखो तो गाइस डायमंड का आर्मर में कितनी ताकत होती है, देखो इसने कितने तीर मार लिए, फिर भी मेरा एक भी हार्ड कम नहीं हुआ। अरे छोटी चिराम छोटी चिराम छोटी चिराम, अरे ये तो उल्ला उल्ला के मार रहा है यार, ये छोटी चिराम को देखो भाई साहब, मार दिया इसको तो मैंने इसको भी। चल हड्डी सारी हड्डी, चल यहाँ से भाग, अरे मर जा भी अब। गाइस मैं नूब हूँ, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना। तो गाइस अभी रात हो रही है, पहले मैं सुबह कर लेता हूँ यहाँ पे, जल्दी से सो जाता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिलता हूँ अभी। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये आ चुके हैं महाराज हमारा स्वागत करने के लिए। तो गाइस मेरे वर्ल्ड में इतनी बारिश होती है, मान लो कितनी। तो गाइस चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही बस, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हम अगली वीडियो में अपने लिए एक घर बनाएंगे, जिसमें हम अपना पर्सनल घर होगा, जिसमें थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे। मैं उसके लिए डिज़ाइन सोच रहा हूँ कि किस प्रकार का घर बनाएं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही बस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।